पता है गलती कहाँ होती है? जब हम हिचकिचा जाते हैं, अपने दिल की बात जाहिर करने से कतरा जाते हैं। खासकर अगर आप किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं ना, तो प्लीज इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इंतजार के चक्कर में कई बार बहुत देर हो जाती है। अब यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम अनुज को। क्या है ना कि अनुज बीमार है और अनुपमा बड़ी ही शिद्दत से उनकी देखभाल कर रही है। ये सब देखकर दिल की बात जुबा पर आई थी अनुज के, लेकिन रह गई। घर से निकले, पहले मंदिर गए, फिर बरसात में भीगे, और अब देखिए फिर फाइनली अनुज और अनुपमा उस जगह आ गए जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन ये क्या, अनुज की तबीयत तो यहां पर खराब हो गई है, और देखिए कैसे अनुपमा उसकी सेवा कर रही है। अनुपमा जानती है कि अनुज ने उसकी कितनी मदद की है। जब जब अनुपमा मुसीबत में आई है, अनुज ने उसका हाथ थामा है। तो अब जब अनुज को जरूरत है तो वो कैसे साथ न देती। हाँ, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ। जाते ही उन्होंने दो पराठे बनाए, मस्त, एकदम आलू गोभी के मस्त। आपको भी लगेगा ना, अनुज सिर्फ खाने की बातें करता है हमेशा। अनुपमा के साथ कुछ ऐसे पल गुजार कर अनुज इमोशनल हो गया। वो अनुपमा से अपनी फीलिंग शेयर करने ही वाला था कि अचानक से आई बोलकर वो रुक गया। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आई थिंक इट मस्ट बी द वनराज वाइब। वो जब आंखें मिली तो उसको लगा होगा कि इसको बताना चाहिए, और यहाँ पे तो खाने के लिए तो अनुपमा कोई बोलेगा तो बोलना चाहता था आई हंग्री, तो उसने तीन बार बोला आए आए आए। अनुपमा है कि वो समझती नहीं। अब जब ये दोनों अकेले थे, अनुज के पास पूरा मौका था अनुपमा से ये बताने का कि मैं तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, लेकिन उस मौके का फायदा अनुज बिल्कुल नहीं उठा पाया। खैर, अब तो ऐसे बहुत मौके मिलेंगे अनुज। आपको अपना दिल पक्का करना है कि आप कब इजहारे मोहब्बत अनुपमा से करेंगे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।